भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FCI कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ एवं जनपद गोरखपुर की लगभग 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उसमें BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उच्चीकरण कार्य, गोरखपुर कैंट कप्तानगंज वाल्मीकि नगर खंड विद्युतीकरण, AC इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण, दुग्ध संघ गोरखपुर परिसर में 1,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की पूर्ण स्वचालित डेयरी, रोहिन नदी पर डोमिनगढ़ गाड़ा सहा मार्ग के डोमिनगढ़ घाट पर सेतु एवं सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य, एम्स के आयुष भवन में OPD का संचालन, एम्स परिसर में 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र क्षमता 2/10 MVA का निर्माण, BRD मेडिकल कॉलेज के 100 क्षमता वाले PG गर्ल्स छात्रावास का निर्माण, रामगढ़ताल परियोजना के अंतर्गत सर्किट हाउस के निकट पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तथा BRD मेडिकल कॉलेज में 50 क्षमता वाले PG मेरिट छात्रावास का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कांडला से गोरखपुर LPG पाइपलाइन का निर्माण, सोनली गोरखपुर मार्ग के किलोमीटर 81.420 जंगल कोरिया से किलोमीटर 98.945 महदीपुर चौराहा तक 4-लेन CC रोड का निर्माण कार्य तथा राप्ती नगर विस्तार आवास के योजना में 4 मंजिला सेमी फिनिश्ड ऑफरोडेबल G3 480 LIG भवनों का निर्माण कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 3 योजनाओं पशुपालन, मत्स्य पालन व बकरी पालन से कार्य करने वाले विभिन्न प्रांतों के 10 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत किसान प्रगति कार्ड प्रदान किया। मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। रैली में लाखों की संख्या में समर्थक और किसान शामिल हुए। रैली में प्रधानमंत्री के समर्थकों में मोदी मोदी के नारे लगाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मंत्री कलराज मिश्र, सांसद विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधिगण, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। Yeah.
गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 22 एलपीजी मार्केटिंग प्लांट्स को एलपीजी की आपूर्ति करेगी। 8.5 मिलियन टन की सालाना क्षमता वाली इस पाइपलाइन को बनाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन का 1,011 करोड़ रुपए की मदद से एक नई एम्स बिल्डिंग के साथ 18 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये अस्पताल सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी उपकरणों, सीटी स्कैन, एमआरआई भाव से युक्त होगा। इसमें 45 बेड का कॉमा सेंटर और 8 एमआरआई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एम्स में 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज होगा। 2019-20 से 50 MBBS प्रथम वर्ष छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। 10 OPD शुरू किए जा रहे हैं। आज एम्स गोरखपुर के OPD का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही जी, मंच पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वर्षों तक संसद विधानसभा से संसद तक राज्य में भी रहे मंत्री,
रहे हैं उनके सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर भक्ति पालन के लिए उत्तर प्रदेश से श्रीमती नैना देवी सामने हो जाइए काम बड़ा होता नीचे कर लो थोड़ा नीचे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी राज्यव्यापी योजना पीएम किसान के शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश में किसान भाई बहन नमस्ते प्रधानमंत्री ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಉತ್ತೂರಿನ ಬಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಸೇರಿಯಾಗು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ